BCS CT 131 Block 1 Atomic Structure Unit 1 Bohr's Theory. इस चैप्टर में आप बेसिकली बोर के द्वारा दी गई थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और भी कई थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डेमोक्रेटस की थ्योरी है, डाल्टन की थ्योरी है, थॉमसन की थ्योरी है. इन सब के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या दिया. ये हमने पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा. स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. एटमिक थ्योरी ऑफ ग्रीक फिलोसोफर ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटस हेल्ड दैट कंटिन्यूस सब डिविजन ऑफ मैटर वुड यील्ड एटोम्स विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल. तो ग्रीक फिलोसोफर्स ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस यही दो लेके आए थे मैटर एटम का कंसेप्ट लेके आए थे. उन्होंने ऐसा कहा कि जब अगर हम मैटर का सब डिविजन करेंगे, उसको और फर्दर डिवाइड करेंगे, तो हमें कैसी स्टेट मिलेगी जिसको हम एटम कहते हैं, और वो एटम फर्दर और डिविजिबल नहीं होगा. उनका ये सिर्फ एक आइडिया था, उनके पास एक वैलिड प्रूफ नहीं था, और ये आइडिया आगे चल के ऑब्वियसली रॉन्ग प्रूफ हुआ. बट कई बहुत सारी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज के लिए ये बहुत अहम साबित हुआ. तो इन्होंने ही फर्स्ट कंसेप्ट लेके आए थे एटम्स का. उन्होंने कहा कि एटम जो है वो एक वर्ड से डिराइव्ड है जिसको हम कहते हैं एटोमस, जिसका मतलब होता है अनकट और इंडिविजिबल. आगे बढ़ते हैं. आगे आता है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अब इसके बाद इन दोनों के बाद डाल्टन अपनी थ्योरी लेके आए. डाल्टन की थ्योरी भी डेमोक्रेटस की आइडियाज़ पर बेस्ड थी. उनका भी यही मानना था कि मैटर का सब डिविजन करके हमें एटम मिलेंगे और एटम का फर्दर डिविजन नहीं हो सकता. उनके क्या क्या पोस्टुलेट्स से, पहला पोस्टुलेट, मैटर इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. वही सेम चीज़ जो उन्होंने कही कि मैटर जो है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स से बनता है जिसको हम कहते हैं एटम्स. आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल एटम्स. उन्होंने कहा कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो होंगे उनके पास आइडेंटिकल एटम्स होंगे. नेक्स्ट उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के पास डिफरेंट मास वाले एटम्स होंगे, मतलब उनका मास जो होगा वो डिफरेंट होगा. ओके, नेक्स्ट कंपाउंड जो बनेंगे वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से बनेंगे ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से. ऑब्वियसली एक से तो नहीं बन सकता, पर आइडेंटिकल वाले एलिमेंट से बन सकता है. जैसे कि हम मान लेते हैं हमें NaCl बनाना है, तो NaCl हमारा किन दो एलिमेंट से बनेगा, एक Na और एक Cl. और Na क्या हो गया, एक एलिमेंट, Cl हो गया दूसरा एलिमेंट. तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक कंपाउंड NaCl. नेक्स्ट मूविंग अहेड, केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट एक्सचेंज देयर पार्टनर्स टू गिव द सब्सटेंस. केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब एक कंपाउंड में जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अपने एटम्स को क्या है, अपने अपने पार्टनर्स को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने पार्टनर्स को. तो जो एटम है वो ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करता है. बट ये थ्योरी ऑब्वियसली फेल हो गई बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जैसा कि हम जानते हैं. बट इन थ्योरीज ने बहुत सारी अलग अलग, जैसे रदरफोर्ड की थ्योरी हो गई, बोर्स थ्योरी हो गई, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, क्योंकि गलतियों से ही उन्होंने और मॉडिफाई करके अपनी थ्योरीज लेके आए. आगे बढ़ते हैं. फिर दूसरा जो मॉडल आया वो आया थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल. अब थॉमसन का क्या कहना था, थॉमसन का ये कहना था कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, एक पॉजिटिव स्फीयर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, मीन्स घुसे हुए हैं, लाइक धंसे हुए हैं. उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जो कि 10^-8 सेंटीमीटर रेडियस का है, और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एम्बेडेड हैं. किसकी तरह, जैसे आपकी वाटरमेलन्स में सीड्स होती हैं और जैसे कि प्लम पीसेज होते हैं पुडिंग्स में, इस तरीके से जो हैं वो एम्बेडेड हैं, ऐसा थॉमसन का कहना था. बट उनका भी आइडिया फेल हो गया क्योंकि वो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए टू द गीगर एंड मार्टसन. उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करी थी अपने मॉडल से, उनका एक्सप्लेनेशन थॉमसन के पास नहीं था. क्या थॉमसन के पास रीज़न नहीं था, वो ये कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल, जब गीगर और मार्टसन ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पाथ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ जो हैं वो वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, अपने दोबारा सोर्स पे वापस आ गए. अगर हम थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल को ट्रू मान लें, उसको सही मान लें, तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में ग्रेजुअल डिफ्लेक्शन हो सकता है, बट स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती. जैसा कि फॉइल जो रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उससे जो ऑब्जर्वेशंस निकल के आई, उससे जो स्कैटरिंग हो रही थी,
ऐसी स्कैटरिंग एक पॉजिटिव चार्ज के अंदर होनी इम्पॉसिबल है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था वो थॉमसन देने में कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से उनका मॉडल जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये वन ऑफ द फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है हमारे साइंस में, और वैसे तो ये भी फेल हो गया था, पर इसने बहुत सारे रेवोल्यूशंस करे थे। पहला उनके क्या कंक्लूजन निकला कि जो पॉजिटिव चार्ज है और सारा जो मास है वो एक स्पेस में कंसंट्रेटेड है, और वो स्पेस बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू एटम। उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कि ये हमारा वो स्पेस है जहाँ पर वो सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, और ये जो है वो इतना छोटा होगा, मान लीजिए ये आपका पूरा क्या निकलता है, ये पूरा एटम निकलता है, तो ये इतना एटम हो गया, उसके अंदर इतना छोटा सा ये सेंटर वाला पार्ट होगा, या फिर वो छोटा सा एरिया है जहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड। और आज हम जानते हैं इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस का जो रेवोल्यूशन था वो भी इन्होंने ही दिया था। उन्होंने अपने न्यूक्लियर मॉडल से ये बोला था कि जो सेंटर है जहाँ पे सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो दे रिवॉल्व अराउंड द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है दूसरा पोस्टलेट, क्या आता है, दोज अल्फा पार्टिकल्स विच आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब वो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास थे न्यूक्लियस के, वो लार्ज डिफ्लेक्शंस बनाते हुए, लार्ज एंगल बनाते हुए पास आउट हो गए, मतलब डिफ्लेक्ट हो गए, जबकि जो बहुत दूर थे वो बहुत स्मॉल एंगल बना के हुए। ये प्रूफ करता है कि जो मास है और जो चार्ज है वो बहुत छोटे एरिया में, जैसे कि ये अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है या न्यूक्लियस है और कोई एलिमेंट या कोई पार्टिकल अल्फा पार्टिकल पास में है, तो पास में वो ज़्यादा एंगल बनाता हुआ डिफ्लेक्ट हुआ, और जो कोई बहुत दूर है, मतलब मान लीजिए इतना दूर, तो वो कम एंगल बनाता हुआ डिफ्लेक्ट हुआ। जो ज़्यादा एंगल था वो उन पे दिखाई दिया जो कि इस न्यूक्लियस के पास थे, और जो दूर थे उन्होंने कम एंगल बनाया, तो ये उन्होंने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा से बता देते हैं क्या है इनके कंक्लूजन, क्योंकि इनके कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंक्लूजन उनका ये था कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास है एटम का वो एक स्पेस में कंसंट्रेटेड है जो कि बहुत स्मॉल है देन द एटम। सेकंड, उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट किया था जो कि ये बताता है कि न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। थर्ड, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के बहुत पास थे वो लार्ज एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हुए, और वो जो बहुत दूर थे वो स्मॉल एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हुए, जो कि ये प्रूफ करता है कि मास और पॉजिटिव चार्ज सेंटर में ही कंसंट्रेटेड है। आगे बढ़ते हैं, रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या रीज़न था कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया? तो रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल सामने लेके आए तो उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो उन्होंने पहले ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो वो एक्सेलरेट करनी चाहिए, और अगर वो एक्सेलरेट करेगी तो वो रेडिएट करेगी एनर्जी, एंड इफ़ दे डू सो, अगर वो रेडिएट करेगी एनर्जी तो धीरे धीरे करके उनकी एनर्जी कम होगी, और धीरे धीरे एनर्जी कम होने की वजह से जो स्फेरिकल पाथ है वो धीरे धीरे करके स्पाइरल हो जाएगा। अब जब वो स्पाइरल होगा तो वन डे विल कम व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल कोलैप्स विद द न्यूक्लियस। एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएंगे एंड एटम विल डिस्ट्रॉय, जिसकी वजह से एटम अनस्टेबल प्रूव हुआ, बट इन रियलिटी एटम इज़ नॉट अनस्टेबल। अब उन्होंने इस एक्सप्लेनेशन को वो करने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए उन्होंने ये बोला कि मेरा जो मॉडल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो रिवॉल्यूशन जस्ट सिमिलर है एज दैट ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। तो प्लैनेट्स अराउंड द सन रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। अब ये बोल के तो वो और फंस गए, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है
उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करेंगे तो वो एक्सेलरेट करेंगे तो रेडिएट करेंगे, रेडिएट करेंगे तो एनर्जी कम होगी तो स्पाइरल पाथ होगा तो कोलिशन होगा, एंड व्हेन द कोलिशन विल अकर एटम विल बिकम अनस्टेबल। सो इस तरीके से वो फेल हो गए अपना एटमिक मॉडल को सही प्रूफ करने में। तो आगे हम पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी के कुछ पोस्टलेट्स आज